तो नमस्ते सभी को। और आज है मीन्स आज मैं जा रही हूँ छठ जहाँ पे पूजा करते हैं उसकी घाट पे वेदी बनाने। वेदी होता है ना जो जहाँ पे छठ मैया की पूजा करते हैं वहाँ पे जा रही हूँ। और छठ मीन्स छठ का जो त्यौहार होता है तो सब लोग जहाँ पे अपनी पूजा विधि करते हैं तो उसके कुछ दिन पहले ही जाके वो अपनी जगह बुकिंग कर लेते हैं क्योंकि छठ के लिए बहुत भीड़ लगती है। छठ मीन्स नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे कहीं भी जहाँ पानी हो वहाँ पे मनाते हैं। तो मेरे घर पे एक पास में तालाब है तो वहाँ पे जहाँ पूरे मीन्स एरिया के लोग आते हैं छठ का त्यौहार मनाने तो वहीं सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग को भी मिलाते हैं और देखते हैं कि वेदी कैसे मनाते हैं छठ की वेदी। और छठ की मीन्स छठ का त्यौहार जो है उसका पूरा मीन्स 4 दिन का होता है। नहाए खाए होता है और खरना होता है और एक होता है संध्या अर्घ और एक होता है मॉर्निंग का अर्घ मीन्स सुबह का अर्घ होता है। तो 4 दिन का त्यौहार होता है तो उसके पहले ही ये जाके वहाँ पे बेदी बनाते हैं जहाँ पे बेदी बनाते हैं जहाँ पे मीन्स छठ का अपनी पूजा करते हैं वहाँ पे बेदी बनाते हैं। तो जो बेदी बनाते हैं चलिए कैसे बनाते। तो ये है देखिए छठ का जो तालाब है जहाँ पे छठ की पूजा होती है वो ये तालाब है। देखिए कितना बड़ा ये तालाब है कितना बड़ा है देखिए। और इसके चारों तरफ जैसे मीन्स वॉकिंग होता है ना वॉकिंग के लिए होता है चारों तरफ ऐसे रास्ता बना है और बीच में तालाब है और उसके चारों तरफ ऐसे मीन्स राउंड राउंड सब लोग छठ के जो भी होते हैं वो लोग खड़े होते हैं छठ की पूजा के लिए अपना अर्घ लेके। और ये है देखिए आरी आरी जो आप देख रहे हैं सब लोग वेदी बनाए हैं। बहुत सारे लोग पहले से बना चुके हैं और आज हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए मेरी मम्मी आगे हैं और जो आंटी उपास रहती हैं वो भी हैं। देखिए सब लोग अपना नाम अपनी बेदी पे सब लोग अपना अपना नाम लिखे हैं जो अब जो जहाँ पे अपना बेदी बनाया है वहीं पे आके अपनी पूजा विधि करेगा। और देखिए ये छोटी लड़की जो हम लोग के साथ में है और ये बेदी बना रही है और उस पे अपने भाई का नाम लिख रही है। और देखिए ये मिट्टी से बनाते हैं और साफ पानी से बनाते हैं। तो हम लोग पानी घर से लेके आए हैं देख रहे हैं बाल्टी आप पीछे देख रहे हैं उसमें पानी लेके आए थे और इसको बना रहे हैं। और सब लोग अपने अपने बेदी पे अपना अपना मतलब भाई का नाम लिख देते हैं उसको मतलब ताकि कोई और नहीं आए। हाँ छठ मैया पूजा हुई कई दिन पहले बनाई जाती है वह 5 दिन 4 दिन 3 दिन जैसे सब बना रहे। चलो ठीक बा है ये तब कई तब दिवाली के 5-6 दिन बाद छठ पूजा पड़त है। अच्छा तब ये का बोलते हैं कि यहाँ फिर अबू कब की खाली छठे दिन परसों दिए जलावे बिना कोई परसों फिर बिहान परसों के दिन मतलब 3 दिन दिया मतलब तीनों दिन पहले दिए जलाए था फिर हाँ 2 दिन दिया जलावल जला एक तो तीसरे दिन में पूजा रहा तीसरे दिन हम पूजा होते हैं। चला ठीक बन गए छठ मैया बहुत सुंदर है। हाँ देखो 2 महीना छठ मैया बनाए हैं ये इतना नन्ही की लड़की 2 महीना छठ बनाए हैं। नहीं बना था तो हाँ बिट्टी बनाओ बनाओ पनिया से एक ना लिप जाए ना हाँ तब का कुल सहूर बहन का लीपे लापे। तो देखिए सब अपनी अपनी बेदी बनाए देखिए यहाँ पे एक और लड़का बेदी बना रहा है सब ऐसे ही आके अपना अपना बेदी बनाते हैं। देखिए कितनी सारी बेदी है सब आरी आरी और जो ये आपको गड्ढे जैसा दिख रहा है ना उसमें ही पानी भरेंगे और सारी औरतें वहीं पे और आदमी जो भी पास रहेगा सब उसमें खड़े होके सूर्य जब डूबता है तब अर्घ देते हैं और जब सुबह जब सूर्य निकलता है तब अर्घ देते हैं। उसके बाद उनकी पूजा विधि संपन्न हो जाती है अर्घ देने के बाद उनका। देखिए ये कुछ अगले साल की फोटोज हैं मेरे पास। देखिए कितनी भीड़ होती है ऐसी भीड़ चारों तरफ से होती है आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं रहता।
और सारी महिलाएं देखिए बीच में खड़ी हैं, जो नहर जैसा था उसमें खड़ी हैं, अपना अपना दौरा मीन सूप लेके, सूप में अपना अपना नारियल प्रसाद लेके खड़ी हैं। छठी मैया की जय। पहले पहले व्रत कईनी, छठी मैया करी है उद्धार,